मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाले मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने सियासी पारी खेलने के संकेत दिए हैं। खबर है कि 30 सितंबर को राज्यपाल के पद से रिटायर होने के बाद सतपाल मलिक राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सतपाल मलिक 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के शामली में होने वाली किसान सम्मेलन में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करेंगे। इसके अलावा वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर अलीगढ़ में होने वाली किसान सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। हालांकि एनडीटीवी से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने चुनावी राजनीति करने और आरएलडी में शामिल होने की खबरों से इनकार किया है, लेकिन इस दौरान मलिक ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और किसानों को धोखा देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरी बीजेपी से खुली लड़ाई है। बता दें कि सत्यपाल मलिक आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के दादा और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के करीबी रहे हैं। साल 1974 में पहली बार चौधरी चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक को बागपत विधानसभा सीट से टिकट दिया था और वो विधायक चुने गए। हालांकि मतभेदों के चलते मलिक और चौधरी चरण सिंह में दूरियां बढ़ गई थी।